हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। हनुमान, अभी थोड़ा काम और बाकी है, आप आज्ञा करें वैद्यराज। दिव्य औषधियों के इस पर्वत शिखर को जहां से उठाकर लाए हैं, इसे पुनः वहीं प्रतिष्ठित कराइए। इसकी क्या आवश्यकता है वैद्यराज सुषेण? अत्यंत आवश्यकता है। आवश्यकता ही नहीं, धर्म है। इसके आरोग्य गुण वहीं प्रस्फुटित होंगे। जगत कल्याण तथा दुखी पीड़ितों के काम आने वाली प्राकृतिक संपदा किसी एक की संपदा नहीं होती। मानव कल्याण की इस आरोग्य निधि को मानव कल्याण के लिए उसी प्राकृतिक स्थल पर फूलने फलने दो जहां से ये सबको प्राप्त हो सके। हनुमंत, जो आ गया। ये सूचना देकर तुमने मेरे प्राण बचा लिए माता, मेरे प्राण बचा लिए। बेटी, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब क्यों रोती हो? तुम नहीं जानती माता, रघुवर की क्या दशा हुई होगी। लक्ष्मण भैया को कुछ हो जाता तो उसके बिना उनके लिए इस संसार में जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यही सोचकर मेरा हृदय बैठा जा रहा है। शुभ शुभ सोच पगली, शुभ शुभ सोच। तेरा धर्म, तेरा सतीत्व ही उन दोनों भाइयों की रक्षा करेगा। अंत में विजय उन्हीं की होगी। तू इस बात पर दृढ़ विश्वास रख बेटी। ये काल ने भी कुछ काम कर नहीं निकला, एक वानर को भी नहीं रोक सका। अगर रोक लेता तो अभी तक दूसरा भाई भी छोटे के दुख में पागल होकर मर जाता। परंतु आप चिंता न कीजिए पिताश्री, आज मैं वो अमोघ प्रयोग करने जा रहा हूँ जिसके प्रयोग मैंने आज दिन तक इसलिए नहीं किया कि किसी आपत्काल में ही उसका प्रयोग करना उचित होगा। अब वो समय आ गया है। आज मैं कुलदेवी निकुम्बला के गुप्त मंदिर पर जाकर वो तांत्रिक यज्ञ करूंगा जिससे कि मुझे वो देवी रत्न प्राप्त होगा जो कि अजय है। परंतु आप ये सूचना गुप्त रखिए, जहां तक कि रणवास की ऋषियों को भी पता न चले, जिससे कि मेरा यज्ञ संपूर्ण होने तक किसी को भी ये सूचना न मिले कि मैं कहां हूं। आप राक्षसी सेना के साथ
महाभट योद्धाओं को युद्ध में भेज दीजिए, जिससे कि वानर सेना के साथ दोनों भाई भी उसमें उलझ जाएं और उन्हें भी पता न चल पाए। मेघनाद, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है, परंतु युद्ध का समय है, शत्रु हमारी धरती पर है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें थोड़ी सेना साथ रखनी चाहिए। बेटे, आप चिंता न करें पिताश्री, मेरे विश्वास पात्र योद्धाओं का एक दल मंदिर की रक्षा करेगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने महल में गए बिना सीधा वहां जाता हूं। आज दोपहर तक मेरा यज्ञ संपूर्ण होगा, फिर होम से प्राप्त उस दिव्य रथ में बैठकर मैं सीधा युद्ध भूमि में जाऊंगा। आप विश्वास रखिए पिताश्री, आज का सूर्य उन दोनों भाइयों के मृत्यु के पश्चात अस्त होगा। जाओ वस, विजयी होकर लौटो, विजयी हो। विजय का आशीर्वाद दो। आप पर इतनी बड़ी आपत्ति आई और आपने मुझे इसका आभास तक नहीं होने दिया। संकट की इस घड़ी में मुझे पूरी सेना सहित आपकी सहायता के लिए आने की आज्ञा दें। मुझे आज्ञा दीजिए भैया। नहीं 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 भैया, क्या बात है? किसे नहीं कह रहे थे? उसी पगले को। पगला? कौन पगला? वही भरत। भरत भैया? हाँ, वही तेरे भरत भैया। पूजा में बैठे हुए ऐसे लगा जैसे भरत इस समय बहुत विक्षिप्त है। मैं उसके हृदय की वेदना जैसे अनुभव कर रहा हूं। अवश्य विक्षिप्त होंगे, हनुमान ने उन्हें सब कुछ बताया होगा। ऐसे में किसी का भी हृदय कैसे स्थिर रह सकता है? मैं उनके स्थान पर होता तो वो जगह सारी सेना लेकर चल दिया होता। नहीं नहीं भैया, ये भी तो हो सकता है भरत भैया सचमुच सेना लेकर चल दिया हो। नहीं, भरत ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा को समझता है। वो मेरी आज्ञा के बिना अयोध्या छोड़कर कभी नहीं आएगा। परंतु जब आप ही संकट में हो, आपकी सहायता के लिए भी आज्ञा लेनी पड़ेगी। कौन है वहां आपके बाद आज्ञा देने वाला? गुरुदेव। गुरुदेव की आज्ञा लेनी होगी और वो अवश्य उससे कहेंगे कि राम वनवास की अवधि तक अयोध्या की किसी संपत्ति का कोई प्रयोग नहीं करेगा। गुरुदेव धर्म और मर्यादा को समझते हैं और वो ये भी जानते हैं कि मेरे लक्ष्मण के रहते
मुझे किसी सेना की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण अकेला ही कई सेनाओं पर भारी है। भैया आप मर्यादा की सीमा हैं, परंतु कुछ भी कहिए, अगर मैं होता तो मैं सेना लेकर चल दिया होता। परंतु भरत, मेरी आज्ञा के बिना अयोध्या को आरक्षित छोड़कर एक पग भी नहीं उठाएगा। मैं उसे जानता हूं लक्ष्मण, भरत जैसा महापुरुष धरती पर बिरला ही पैदा होता है। उसे हृदय से नमस्कार करो। अयोध्या की पवित्र माटी, मैं अपने छोटे भाइयों को तेरी गोद में छोड़कर आया हूं। उनकी रक्षा करना, उनकी चिंता दूर करना। प्रभु प्रभु, एक महत्वपूर्ण समाचार है। क्या समाचार है? प्रभु, मेरे गुप्तचर समाचार लाए हैं कि इंद्रजीत आधी रात से देवी निकुम्बला के मंदिर में एक तांत्रिक यज्ञ कर रहा है। तो क्या हुआ? वो यज्ञ उसे मेरे हाथों से बचा लेगा? आप नहीं जानते लक्ष्मण भैया, यदि ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसकी ज्वाला से एक दिव्य रथ प्रकट होगा, और जब तक इंद्रजीत उस रथ पर बैठा रहेगा तब तक इंद्रादि सभी देवता मिलकर भी उसे परास्त नहीं कर सकते। ये स्वयं ब्रह्मा जी का उसे वरदान है। ब्रह्मा जी का वरदान? हाँ, एक बार इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया था और अपने साथ ले जा रहे थे, तब इंद्रजीत ने अपने अंतर्धान होने की मायावी विद्या का प्रयोग करके अदृश्य रूप में इंद्र के रथ पर जाकर न केवल अपने पिता के बंधन खोल दिए, अपितु इंद्र को बंदी बनाकर अपने साथ लंका ले आया। तब स्वर्ग में सारी व्यवस्था बिगड़ जाने के कारण स्वयं ब्रह्मा जी लंका में प्रकट हुए और मेघनाद को इंद्रजीत के नाम से अलंकृत कर दिया। हे वीर मेघनाद, हम तुम्हारे प्रचंड पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। आज से तुम तीनों लोकों में इंद्रजीत के नाम से विख्यात होगे, जिससे इंद्र की ख्याति सर्वदा के लिए कलंकित रहेगी। अब हम तुमसे स्वर्गलोक की व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवराज इंद्र को मांगते हैं। पितामह, आप स्वयं मांगने आए हैं तो इंद्र को लौटा दूंगा, परंतु उसके उपलक्ष्य में मुझे क्या देंगे? इस उपलक्ष्य में तुम जो भी वरदान मांगोगे हम तुम्हें देंगे। तो हे पितामह, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमर कर दीजिए, मेरी मृत्यु कभी ना हो। यह असंभव है इंद्रजीत, क्योंकि ये प्रकृति के विधान के प्रतिकूल है। अरे मानव तो क्या, देवता भी अमरत्व प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, हम तुम्हें इतना वर देते हैं कि जब भी तुम अपनी कुल देवी निकुम्भिला का तांत्रिक यज्ञ करोगे तो उसकी होम अग्नि में से एक दिव्य रथ प्रकट होगा, जिसके घोड़े मन की गति से चलेंगे, और तुम्हें ब्रह्मश्री नामक अस्त्र भी प्राप्त होगा। तुम जब भी उस रथ पर आरूढ़ रहोगे, कोई न तुम्हें परास्त कर सकेगा न मार सकेगा। हमारा यह वरदान स्वीकार कर लो वत्स। मुझे स्वीकार है। हे इंद्रजीत, निकुम्भिला के स्थान पर पहुंचने और वहां हवन संबंधी कार्य पूर्ण करने से पहले जो शत्रु तुम्हें मारने के लिए आक्रमण करेगा उसी के हाथ से तुम्हारा वध होगा, यह भी याद रखना। यदि कोई देवी के गुप्त स्थान पर पहुंचेगा
तो ही आक्रमण करेगा ना। प्रभु, इसी प्रकार उसकी मृत्यु का विधान किया गया है। यही अवसर है कि लक्ष्मण भैया अपने मुख्य योद्धाओं और सेना सहित उन पहाड़ों में स्थित निकुंभला के मंदिर पर इसी समय आक्रमण करें। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए, आज मैं उस राक्षस कुमार की जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा। अवश्य, परंतु युद्ध बुद्धिमानी के साथ करना। उस महाभयंकर राक्षस की माया को मैं जानता हूं, वो ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता है, बुद्धिमान और बड़ा मायावी होने के साथ साथ परम वीर भी है। इंद्रजीत जब रथ में बैठकर आकाश में विचरने लगता है तो बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी गति का कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए हे सौमित्र, तुम वानरराज सुग्रीव, हनुमान और जामवंत आदि सारे युद्धपतियों के साथ जाओ। निकुंभला का मंदिर जानने के लिए किसी गुप्तचर को भी ले जाओ। प्रभु, वहां पहुंचने का मार्ग बहुत लंबा और टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैं वो मार्ग जानता हूं जो छोटा और गुप्त है। मैं लक्ष्मण को उस मार्ग से सेना सहित शीघ्र ही वहां पहुंचा दूंगा। परंतु हमें आपको साथ भेजने में संकोच है। क्यों प्रभु, मुझ पर विश्वास नहीं? हमारे संकोच को अन्यथा न समझे महाराज विभीषण, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। परंतु हम यह भी जानते हैं कि इस परिस्थिति में संकट है और हम आपके प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहते। आप ठीक कह रहे हैं भैया, वहां बहुत संकट है, परंतु आप निश्चिंत रहें, आपके लक्ष्मण के रहते महाराज विभीषण का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। कंधर्व राज कुबेर ने स्वयं प्रकट होकर मुझे बताया है कि युद्ध में मेघनाथ महाराज विभीषण पर यम अस्त्र का प्रहार करेगा। यह अस्त्र उसने इन्हीं के लिए संभाल कर रखा है। कुबेर ने मुझे उसके तोड़ की विधि और उस अस्त्र को संहार करने वाले दूसरे अस्त्र का भी ज्ञान दिया है। भैया, आप निश्चिंत होकर हमें जाने की आज्ञा दें। हम इन्हें तुम्हारे भरोसे पर भेज रहे हैं लक्ष्मण, याद रखना, हमने इन्हें लंका नरेश बनाने का वचन दिया है। उस वचन को सत्य करने के हेतु इनकी सुरक्षा के लिए हम अपने प्राणों का भी मोह नहीं करेंगे। भैया, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, यदि आज मैंने मेघनाथ का वध नहीं किया तो मैं अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। जोते ही आज बधे बिनु आवो तो रघुपति सेवक न कहावो, जो सत्संकर करही सहाय तदपि हताओ रघुवीर दोहाय। जाओ वीर, विजयी हो। ओम ह्रीं क्लीं निकुम्बलाय देव्याय नमः। सुमित्रानंदन, वो देखिए, उस गुफा में हमारी निकुम्बला देवी का मंदिर है। उसी के द्वार पर मेघनाथ के वीर सैनिक पहरा दे रहे हैं। वो अंदर बैठा है, उसका रथ बाहर खड़ा है, वो होम कर रहा है।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ओं ह्रां ह्रूं क्लीं क्लीं सः ज्वलति ज्वलति ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ज्वल हं सं लं चं फट् स्वाहा। अपने सैनिकों से कहो कि इन प्रहरियों पर टूट पड़े और शत्रु सेना का मोर्चा तोड़कर अंदर जाने का मार्ग बना ले। महाराज सुग्रीव, वो मार्ग खुलते ही आप अपने प्रमुख योद्धाओं के साथ अंदर चले जाएं और जिस प्रकार हो सके उसके यज्ञ का विध्वंस करके उसे अपनी तांत्रिक पूजा अधूरी छोड़ने पर विवश कर दें। फिर मेघनाथ बाहर आएगा और लक्ष्मण उसे युद्ध के लिए ललकारेंगे। शीघ्रता कीजिए महाराज सुग्रीव। जो आ गया। हर हर महादेव। राक्षस बानर भीतर हो रहे मंत्रोच्चार, भीतर हो रहे मंत्रोच्चार। लांघ के सिंधु जो आ गए लंका, ना उनको दुर्लभ कोई द्वार, ना उनको दुर्लभ कोई द्वार। हाथन से हथियारन से, हाथन से हथियारन से, कई कारण से रहे यज्ञ बिगार। यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो, अजय हुआ लंकेश कुमार। यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो, अजय हुआ लंकेश कुमार। यज्ञ की अग्नि बुझाए बुझाए के पावन यज्ञ अशुद्ध करें, पावन यज्ञ अशुद्ध करें। यज्ञ को है तुम मिटावन है तुम, निरंतर सैनिक युद्ध करें, निरंतर सैनिक युद्ध करें। साधक का आराधक का पथ, साधक का आराधक का पथ, बाधक बन अवरुद्ध करें। आसन से नहीं डोले रथिंद्र, उसे कितना ही क्रुद्ध करें। आसन से नहीं डोले रथिंद्र, उसे कितना ही क्रुद्ध करें। क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं चं फट् स्वाहा। कपिल सहित की ललकार से लगता है कि हनुमान, सुग्रीव और जामवंत जी उसके यज्ञ का ध्वंस करने में सफल हो गए हैं। अब मेघनाथ बाहर आएगा और अपने रथ पर बैठकर उस वटवृक्ष की ओर जाएगा। वटवृक्ष की ओर? हाँ, आप मेरे साथ आइए, हमें उसके पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए। सुन भैया, मेघनाथ युद्ध में जाने से पहले एक बार यहाँ अवश्य आएगा। क्यों? वो यहाँ आकर भूतों की बलि देता है, उसके बाद ही युद्ध के लिए प्रवृत्त होता है। इसी तांत्रिक कर्म के प्रभाव से वो संग्राम भूमि में अपने शत्रुओं पर विजय पाकर उन्हें बंदी बना लेता है
आज उसे यह कर्म भी पूरा ना करने दीजिए। उसके आते ही उसे युद्ध में ललकार कर आप अपने तेजस्वी बाणों द्वारा उस महाबली राक्षस का संहार कीजिए। वो आता ही होगा। लक्ष्मण भैया अपने बाणों का संधान करके सावधान रहिए। राक्षस कुमार मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। अपने अस्त्र उठाकर सावधान हो जाओ। अवश्य लक्ष्मण। तुम दो दिन से मेरे हाथों मरते मरते बच रहे हो परंतु आज तुम यहां से जीवित लौट कर नहीं जाओगे। मैं तुमसे अवश्य युद्ध करूंगा परंतु उससे पहले मुझे अपने देशद्रोही कुलद्रोही काका को प्रणाम कर लेने दो। विभीषण काका देशद्रोही और कुलद्रोही तो सुने थे परंतु संतान द्रोही नहीं सुना था। आज तुमने वो पद भी प्राप्त कर लिया है। मैं तुम्हारे पुत्र तुल्य हूं फिर भी मेरे गुप्त और मार्मिक स्थानों पर जहां लंका के साधारण वासी भी नहीं पहुंच सकते आज तुम वहां शत्रु को ले आए हो। मुझसे ऐसा द्रोह करके आज तुम संतान द्रोही कहलाने के अधिकारी भी हो गए हो। अरे हे राक्षस राजकुमार तुम्हारा जन्म इसी माटी में हुआ। तुम इस देश के राजा के सगे भाई हो फिर भी तुमने ना तो अपने कुटुंब के प्रति अपनापन ना अपने आत्मजनों से स्नेह और ना ही अपनी जाति का अभिमान ही रह गया है। दुर्बुद्धे स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की दास्ता स्वीकार की है तुमने। अपने कुल की मर्यादा देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही धिक्कार है तुम पर। मेघनाद तुमने स्वयं कभी बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखा और दूसरों को मर्यादा का पाठ सिखाने जा रहे हो। मूर्ख मैंने जो किया है अपने देश की जनता की भलाई के लिए किया है। तुम और तुम्हारे पिता सबको अधर्म की नाव पर बिठाकर मझधार में डुबोने जा रहे हो परंतु मैं अपने देशवासियों को धर्म के मार्ग पर लाकर तुम्हारे पापों से उनकी रक्षा करना चाहता हूं। अधर्मी अन्यायी क्रूर और अत्याचारी राजा का परित्याग करना देशद्रोह नहीं कहलाता। जो धर्म से भ्रष्ट हो गया हो जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो ऐसे व्यक्ति का त्याग करने से मनुष्य उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर बैठे हुए विषैले सांप को त्याग देने से प्राणी निर्भय हो जाता है। जो दूसरों का धन लूटता है जो पराई स्त्री पर हाथ डालता है उस दुरात्मा को जलते हुए मकान की भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। परस्व हरणे युक्तम परदाराभिमर्शकम त्याज्य महादुरात्मानम वेशम प्रज्वलितम यथा। तुम्हारे पिता के इन्हीं पापों के कारण अब न ये लंकापुरी रहेगी न तू रहेगा न तेरा पिता रहेगा। इससे पहले तुम नहीं रहोगे। तुम लंका का कलंक हो। लंका की पवित्र धरती पर जीने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं तुम्हें वहां भेजता हूं जहां यमराज तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देंगे। करने से ये कब तक जीवित रहेगा और फिर तुम ही कहां तक जीवित रहोगे। पहले तुम्हारा ही कल्याण कर दूं।
महासंग्राम महासंग्राम राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम महासंग्राम 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 को आ गए शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए वीरों के तीरों से बादल छा गए दिग दिगंत फिर एक बार थर्रा गए दोनों अपने प्रण के कारण जूझ रहे अमीरा महासंग्राम 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 शक्ति प्रहार जो अपने तन पे सह गया मृत्यु निकट जाकर भी जीवित रह गया सहज नहीं है उस योद्धा को मारना किंतु नहीं वीरोचित हिम्मत हारना
राज मेघनाथ फिर भाग गया। नहीं लक्ष्मण, उसका कोई भरोसा नहीं, जाने क्या चाल चल रहा हो। तुम सावधान रहो। मंगल भवन अमंगल हारी, जब हो सुदशरथ अजीर बिहारी। न बुझाए